के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महादेव सट्टा मामले को लेकर लगातार बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। महाराष्ट्र में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में रायपुर पुलिस करेगी एक बड़ा खुलासा। रायपुर पुलिस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि वो 5 आरोपी कौन है और इसके तार कहां कहां से जुड़े हैं। महादेव सट्टा मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। लोकसभा में भी इसकी मांग उठी थी, सांसद संतोष पांडे ने जांच की मांग की थी और साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर डायरेक्टली आरोप भी लगाया था। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया है, बड़ा खुलासा थोड़ी देर बाद रायपुर पुलिस करने वाली है और साथ ही महाराष्ट्र से 5 आरोपी पकड़ाए गए हैं। 5 आरोपी के तार कहां कहां से जुड़े हैं, 5 आरोपी की इन्वॉल्वमेंट क्या थी, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो देखिए, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जब महादेव सट्टा ऐप को लेकर बड़ा खुलासा एक बार फिर देखने को मिलेगा। कहीं के तार समझ में आएंगे, क्या इन्वॉल्वमेंट था इन आरोपियों का। महाराष्ट्र से पकड़कर पुलिस इन्हें रायपुर लेकर आ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ हो जाएगा। महादेव सट्टा ऐप को लेकर लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है और हर एंगल से जांच की जा रही है। उस एंगल के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि ये 5 आरोपी किसी ना किसी बड़े सिंडिकेट के संपर्क में भी रहे होंगे। सट्टा खेलने और खिलाने वालों के ऊपर में लगातार रायपुर पुलिस क्राइम ब्रांच के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में क्राइम ब्रांच को और मौधापारा थाने को ये ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट मिला था कि कुछ लोग पुणे में रहकर महादेव सट्टा खिलाने का कार्य कर रहे हैं। इस सूचना पर एक विशेष टीम का निर्माण कर उन्हें संबंधित लोकेशन की जानकारी देकर उनको वहां पर भेजा गया और भेजा जाने के बाद वहां पर उन्होंने पुणे महाराष्ट्र में एक लोकेशन सांगरिया करके एक लोकेशन था, वहां पर रेड कार्रवाई की, जहां पर महादेव सट्टा खिलाते हुए 5 लोगों को, जिसमें अतुल करके एक लड़का है जो नागपुर का है, साथ में विक्रांत रंगारे जो भिलाई का है, अंशुल रेड्डी भिलाई, देवेंद्र कुमार विशाल भिलाई और कुशल ठाकुर ये भी दुर्ग का रहने वाला है, इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। साथ में लगभग 12.5 लाख रुपए का मसरूका, जिसमें 47 नग मोबाइल फ़ोन हैं, 6 लैपटॉप हैं, राउटर्स वगैरह हैं और साथ में 56 नग एटीएम कार्ड, कुछ रजिस्टर्स वगैरह इनसे सीज किया गया है, जिसका टेक्निकल परीक्षण अभी किया जा रहा है। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण अकाउंट्स मिले हैं जिनको संबंधित बैंक को होल्ड करने के लिए पत्राचार किया जा चुका है। अभी इसमें और एनालिसिस का कार्य किया जा रहा है और इसमें संलिप्त और लोगों की भविष्य में गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें एक महादेव का अन्ना रेड्डी पैनल क्रमांक 15 ये संचालित था, जिसको ये 5 लोग संचालित कर रहे थे। इससे पहले पकड़ाए गए सभी लोग? इससे पहले इनका कोई हिस्ट्री नहीं है ऐसा पकड़ाने का, और लगातार जो पिछले बार हम लोगों ने कार्रवाई की थी तो उसमें हम लोग अलग अलग बैंक अकाउंट्स के ऊपर में नज़र रख रहे थे, तो कुछ ऐसे हमको सस्पेक्टेड बैंक अकाउंट्स भी मिले थे जिसमें क्षमता से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा था। इसी आधार पे ये इनपुट जनरेट हुआ था और उसी आधार पे हमने कार्रवाई की थी। फिलहाल चूंकि हम लोग इसमें अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, संबंधित अकाउंट किससे किससे लिंक्ड हैं, कौन कौन से मोबाइल नंबर से वो कहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, इसकी जानकारी ली जा रही है। जब डिटेल वगैरह आ जाएंगे तो शेयर किया जाएगा। कितने राशि जो अभी कराने के लिए, कितना होल्ड कराने का? लाखों रुपए में ये राशि है और इसका एग्जैक्ट जो मूल्य है वो पूरे अपन एनालिसिस करने के बाद ही प्रोवाइड कर पाएंगे। सर, सबसे ज्यादा बैंक खाते किस बैंक के? और सर, ये जो खाते हैं सर, उसमें सेविंग अकाउंट कितने और करंट अकाउंट? अलग अलग बैंक के इसमें अकाउंट्स हैं और अकाउंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में है, इसलिए अभी जब तक इसका एनालिसिस नहीं हो जाता तब तक ये बताना भी संभव नहीं है। सर, ये लोकल बैंक भी क्या, मतलब छत्तीसगढ़ के संभावित है।